السلام عليكم ورحمة الله. अभी तक वही 37वीं आयत चल रही है, मगर अब मैं इसको मेरा ख्याल है मुख्तसर करके फिर अगली आयत पे इंशाल्लाह बस शुरू करूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً। جہاں تک مما ملكت ايمانكم کا تعلق ہے اس سلسلے میں ग़ुलामों का जिक्र तो था लेकिन मज़दूरों का या घर के आम नौकरों का कोई जिक्र नहीं था, नहीं किया गया इससे पहले। अब मैं इब्ने माजा की इस हदीस से शुरू करता हूँ जो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। ये जो मज़मून है ये मज़दूर और मज़दूरी लेने वालों के दरमियान इससे पहले कभी दुनिया में किसी मज़हब किसी माशरे में इस तरह बयान नहीं हुआ कि मज़दूर की के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा करो। ये जो मज़दूरी में ताख़ीर है ये ख़ुद एक बड़ी मुसीबत बन जाया करती है। बसा औक़ात देखा गया कि लोग फेरे मारते रहते हैं, काम करके मेहनती लोग बेचारे, और बार बार चक्कर बार के अपना नुकसान करते हैं लेकिन उनके पैसे रोक लिए जाते हैं कभी एक उज़र पर कभी दूसरे उज़र पर। और ये जो फौरी अदायगी का मज़मून है ये इसलिए भी अहम है कि उस वक्त बहाना तलाशने का मौका नहीं मिला होता अभी मालिक को, और जब सारा सारा मजदूरी हुई है काम हुई है कोई बात अगर उठाएगा तो उस वक्त देखने वाले भी सब गवाही देंगे कि गलत कह रहे हो, ये काम तुम्हारा हो गया है ठीक हो गया है। तो इसको एहसान के ताबे रखना है या अदल के ताबे रखना है ये है सिर्फ सवाल। मेरे नज़दीक तो ये इंसान इस्लामी अदल का एक आला दर्जे का मेयार है और ये एहसान नहीं है। इसलिए एहसान के ताबे जिन्होंने पेश की हदीस बहुत अच्छी हदीस आपको सुनाने का मौका तो मिल गया मगर ये मज़मून अदल का है एहसान का नहीं। शायद इन मानों में एहसान में दाखिल हो जाए कि फौरन दे दो, हालांकि फौरी देना ज़रूरी ना हो, मगर मेरे नज़दीक इस्लामी अदल भी एहसान की लताफतें रखता है। इसलिए इसे इन दोनों के दरमियान के बॉर्डर का करार दिया जा सकता है कि इतना बुलंद मेयार अदल है कि वो एहसान दिखाई देता है। मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में यह हदीस है कि हज़रत अनस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से अच्छे अखलाक के मालिक थे। एक बार आपने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन दिल में मेरे ये था कि मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। बहरहाल मैं चल पड़ा और बाज़ार में खेलते हुए बच्चों के पास से गुजरा और उनके पास खड़ा हो गया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने मुड़कर आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। आपने फरमाया, उनैस जिस काम की तरफ मैंने तुझे भेजा था वहाँ गए? मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल हाँ अभी जाता हूँ।
अनस कहते हैं, खुदा की कसम मैं 9 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मुझे इल्म नहीं कि आपने कभी फरमाया हो कि तूने ये काम क्यों किया या कोई काम क्यों ना किया। तो आपने फरमाया हो कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ना, ये फिक्र गलत इसी में पड़ा गया था। फिक्र असल ये है, मुझे इल्म नहीं कि आपने कभी फरमाया हो कि तूने ये काम क्यों किया या कोई काम ना किया हो तो आपने फरमाया हो कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ये जो ताल्लुक़ था हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपने ज़ेरे नगी लोगों से, उसमें एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती इम्तियाजी शान भी है, जिसे आम दुनिया के मेयार के मुताबिक अच्छे नेक लोगों में भी पूरी तरह राइज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये वो इंतहाई आला अखलाक के मकामात हैं जिनके कदमों को छूना भी एक बड़ी इज्जत है, मगर हकीकत में इस मेयार के तल्लुकात बहुत आला दर्जे के सुलहा में भी शाज ही दिखाई दें। बाज़ मौके पर तो दिखाई देंगे, मगर अक्सर सूरतों में इससे अदना मगर अच्छे अखलाक का मुजाहरा तो होता है। इस किस्म के अखलाक का मुजाहरा जो हज़रत अनस की रवायत में, ये मेरे इल्म में अपनी ज़िंदगी में किसी में मैंने नहीं देखा। हालांकि बड़े बड़े सुलहा और सहाबा की सोबत नसीब हुई है, उनको करीब करीब से देखा है। किसी ने किसी मौके पर तो बिल आखिर सब्र टूट जाता है, आदमी कह देता है तुम क्यों बार बार तंग करते हो, ये क्यों ऐसा होता है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम में ये सुन्नत दिखाई देती है पूरी। तो बाज़ ऐसे हुस्न एहसान के मामलात हैं जो गालबन अम्बिया के मकामात ही पर नज़र आएंगे, उससे निचले दर्जे पर देखने में कम नसीब होते हैं। मगर ऐसा बनने की कोशिश ये सब पर फ़र्ज़ है, और कोशिश करेगा तो अपनी तौफीक के मुताबिक वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के करीब तर होता चला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है जो बुखारी किताब अल-बुयू से ली गई है। आप फरमाते हैं, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे क़्यामत के दिन मैं बात पूछ करूँगा। एक वो जिसने मेरे नाम पर किसी को अमान दी और फिर धोखाबाजी और गद्दारी से काम लिया। दूसरा वो जिसने किसी आज़ाद को पकड़ कर बेच दिया और उसकी कीमत लेकर खा गया। तीसरा वो जिसने किसी को मजदूरी पर रखा, उससे पूरा पूरा काम लिया लेकिन उसको तयशुदा मजदूरी ना दी। ये भी अदब ही का मामला है। वो पहला जो बयान हुआ है उससे नीचे दर्जे की मंजिल है ये अदल की। मजदूरी ना देना तो बहुत ही ज़ालिमाना फेल है, अदल के बिल्कुल मुनाफी है, और मजदूरी ताज़ा ताज़ा दे देना अदल के आला मकाम की तरफ इशारा करता है। मगर इसको भी एहसान में रखा गया है, मेरे नज़दीक तो ये अदल का मज़मून था। बहरहाल मज़दूरों से जो सलूक होता है उसमें बसा औक़ात अदल भी एहसान ही बन जाता है, क्योंकि उन बेचारों से अदल का मामला इतना कम होता है और बसा औक़ात ज़्यादतियाँ इतनी हो जाती हैं कि वहाँ कोई ज़्यादतियों से रोकी जाए तो ये भी एक एहसान है। इस पहलू से हम कह सकते हैं, मगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहसान का सलूक था वो इससे मुख्तलिफ है। वो ग़ुलामों की तालीम में दरअसल आ गया है, जहाँ ग़ुलामों की तालीम में ये बयान फरमाया गया कि जो आप खाओ वही खिलाओ, जैसा पहनो वैसा पहनाओ, उनसे भी कभी उनकी भी खिदमत करो और हमेशा शफ़क़त और राफ़त का सलूक करो। ये दरअसल वो एहसान की तालीम ग़ुलामी के ज़मन में जो बयान हुई थी। ग़ुलाम तो निस्बतन अदना दर्जे के लोग हुआ करते हैं, अजीर फिर भी आज़ाद होता है, वो छोड़ कर जा भी सकता है। बस अगर ग़ुलाम से ये सलूक है तो उसी के ताबे दरअसल आम नौकरों के साथ सलूक की तालीम है, उससे अलग नहीं की जा सकती।
जानवरों पर एहसान के जो अंदाज हैं उनमें एक ये भी है कि जानवर को तेज छुरी से ज़बह करो, इतनी तेज छुरी से कि अचानक उसकी गर्दन से खून का फवारा फूट पड़े। अब तेज छुरी बज़ाहिर ज़ुल्म की अलामत है, लेकिन इस मौके पर लाजमन एक रहमत की अलामत है, क्योंकि जितने जल्दी खून दिमाग को पहुंचना बंद हो उतनी जल्दी तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है। बस तेज छुरी उस टर्न करने से भी ज़्यादा बेहतर है। इससे मुतल्लिक मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जो चोट मारकर सर पर स्टन किया जाता है, यानी होश व हवास मुख्तल कर दिए जाते हैं, समझते हैं लोग कि इससे तकलीफ ख़त्म हो गई, हालांकि उस बेहोशी के आलम में दिमाग जागा रहता है और उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, वो चीख नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी एहसासात और कर्म में इस तरह मुबतला रहता है कि अगर ऐसे शख्स को, अगर इंसान हो, होश आए बाद में, तो वो बताएगा कि एक बड़ी बेचैनी का वक्त देखा था मैंने। यानी बाज़ ओपियम यानी अफीम के असर के नीचे भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, खौफनाक ख्वाबें देख रहे होते हैं, बेचैनी हो रही होती है रूह की, लेकिन उसको बयान नहीं कर सकते। तो जानवर जो स्टन हालत में ही मार दिया जाए, उस बेचारे का हाल किसको होगा मालूम, किसको मालूम होगा कि स्टन होने की हालत में जब उसको ज़िबा किया गया था या काटा गया था किसी और जगह से, तो उसको कोई तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन जो शारक काटने का मज़मून है, कुरान करीम ने शारक काटने का हुक्म दिया है, इससे बिला इस्तिस्ना बिला तवक्कुफ खून का की सप्लाई दिमाग को बंद होते ही एहसासात का मामला ख़त्म हो जाता है। बस तेज छुरी में जुल्म नहीं बल्कि एहसान का मामला है जो बयान किया जा रहा है। फिर फरमाया, कुरान करीम फरमाता है कि जब तक जानवर के पहलू करार न पकड़ जाएं, उस वक्त तक उन पर काटने का अमल नहीं करना। यानी जान निकल गई है, खून बह गया है और आज़ाद तड़प रहे हैं अगर, तो ये इस बात का मज़हर है कि दरअसल जान बैक वक्त सारे जिस्म से इस तरह नहीं निकलती कि हर जिस्म का हिस्सा बेजान हो जाए। बाज़ आसाब के मुकामी मराकज होते हैं, दिल में भी हैं, टांगों में भी, घुटनों, हर जगह मुकामी मराकज हैं, तो वहाँ जो पट्टे फटकते हैं वो एक मुकामी एहसास का मरकज़ है जो इस बात का इजहार करता है। तो कुरान करीम ने जहाँ ऊँटों की कुर्बानी का जिक्र फरमाया, वहाँ यह जिक्र फरमाया कि जब उनके पहलू करार पकड़ जाएं, तब उनको काटना शुरू करो, उससे पहले नहीं। अब इस तफसील से जानवरों के साथ एहसान का सलूक, जबकि उनका गोश्त खाना जायज़ करार दिया गया हो, यह आप तलाश करके देखें, दुनिया के किसी मज़हब में आपको दिखाई नहीं देगा। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर एक को नरमी और मेहरबानी से पेश आने का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि अगर तुम किसी जानवर को मारने लगो तो उसमें भी नरमी और रहमदिली दिखाओ, और जब किसी जानवर को ज़िबा करने लगे तो अच्छे और रहमदिली के तरीक़े से ज़िबा करो, मसलन अपनी छुरी खूब तेज़ कर लो। तो जो इस्तंबात मैंने पहले हदीस से किया था, ये इस्तंबात खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदायत के ताल्लुक में फरमाया है, और इस तरह नतीजा निकला कि इस तरह ज़बीहा को आराम पहुँचाओ। यानी जब खुदा ने इजाज़त दी है तो इस तरीक पर उसको ज़िबा करो कि कम से कम तकलीफ से उसकी जान निकले। अब ये लोग जो ज़िबा पर एतराज़ करते हैं और स्टनिंग यानी सिर के पीछे चोट मारकर बेहोशी को निस्बतन ज़्यादा रहम का सलूक करार देते हैं, शिकार के वक्त इनकी तालीमात बिल्कुल बदल जाती हैं, और जो कुत्ते डालकर पीछे लूमड़ियों का शिकार किया जाता है या और बाज़ जानवरों का, वो ऐसा ज़ालिमाना है कि अब उसके ख़िलाफ़ खुद यहाँ से आवाज़ें उठने लगी हैं कि कानून बना देना चाहिए कि इस किस्म का शिकार ना किया जाए, मगर बहुत उसको लुत्फ़ उठाते हैं,
घोड़ों के काफले के काफले, टोलियों की टोलियां कुत्तों के साथ इन जानवरों के पीछे पड़ती हैं, जो बेचारे बिलों में घुसते सर छुपाते, मगर वो अंदर से भी उनको खींच के निकाल लाते हैं बाहर। तो वो जो हालत है उस वक्त उस डरे हुए जानवर की, वो बहुत ही खौफनाक है। इसलिए ये जो इस्लामी तालीम पर जो एतराज़ात हैं, ये कोई कुदरती तबी एतराज़ नहीं है, ये एक पहले से बैठे हुए दिलों के तासुब का नतीजा है। लेकिन हमें समझाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि देखो तुम्हारा अपना अपना मामला एक मुनाफ़काना रंग रखता है, और इस्लामी तालीम लाजिमन रहम करने वाली है, ना कि बेरहमी को रिवाज देने वाली। शिकारी जानवर रखना इस्लाम में माना नहीं है, मगर एक फ़र्क के साथ कि शिकारी जानवर को बेवजह जान तलफी करने की कहीं इजाज़त नहीं है। यानी कुरान करीम ने या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर का खून लेना जबकि उसका लाजमी आला मकसद ना हो, हराम करार दिया है। इंसान को इजाज़त ही नहीं है कि वो किसी कोई जान तलफ करे जब तक उस जान से उसकी अपनी जान को ख़तरा ना हो, या फिर वो खाने के इस्तेमाल में आए जिसको खुदा ताला ने खुद जिसकी इजाज़त दी हो। तो इसीलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर, जबकि हज़रत गालिबन हज़रत मुस्लिम मौऊद बचपन की हालत बचपन में थे, जब उन्होंने तोते या खूबसूरत परिंदे के मारने के मुतालिक बात की, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, सब जानवर मारने के लिए और खाने के लिए नहीं हैं, उनके अपने अपने मकासद हैं। बस लूमड़ों के अपने मकासद हैं, दूसरे जानवर जो जंगल में मिलते हैं, चूहे खरगोश वगैरह, वो सवाए इसके कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बराह रास्त एक थ्रेट क्रिएट कर दें, ऐसी हालत पैदा हो जाए कि जब इंसान और जानवर की बका के दरमियान सवाल उठता है कि ये रहेगा या वो रहेगा, ऐसी सूरत में उनकी तलफी का फैसला करना एक और बात है, मगर स्पोर्ट के तौर पर, एक खेल के तौर पर महज जान तलफी, जान की तलफी और वो लुत्फ पहुंचाने वाली हो, ये वो मैं बात कह रहा हूँ जो नाजायज़ है, जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और बहुत से वाक़ियात हैं, एक दफ़ा मैंने पूरी जलसे की तकरीर में ये सारी बातें बयान कर दी थी, इसलिए खुलासतन सिर्फ दोहरा रहा हूँ ताकि हर शख्स ने, तो वो तकरीर नहीं सुनी होगी, इधर से नस्बतन ज़्यादा अब फैल गया है, टेलीविज़न का निज़ाम भी ज़्यादा उस वक्त पजीर हो गया है। तो रोते ऊँट के सर पर हुज़ूर का हाथ फेरना और उसका खामोश हो जाना, घोड़े की अच्छी देखभाल की तलखीन, और पेशानी और दुम के बालों को ना कतरने की हदायत, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के नतीजे में एक फाहिशा का बख्शा जाना, और बिल्ली पर जुल्म करने के नतीजे में जहन्नम की सज़ा मिलना, यानी बिल्ली पर ऐसा जुल्म कि उसको बांध कर मुकैद कर दिया गया और उसके खाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, भूख प्यास से मर गई, घोंसले से अंडे उठाने पर आपकी तकलीफ, जिसके नतीजे में वो अंडों वाला परिंदा चीख रहा था और उसकी आवाज़ें दर्दनाक आ रही थीं। गाय पर सवार होने से मना फरमाया, इतनी लतीफ़ और बारीक तालीम है कि आदमी हैरान रह जाता है। वरना देहात में अक्सर लोग बड़ा अपने बच्चे छलांगे मारते, बड़ा गायों पर चढ़ते और उनको भगाते, और भैंसों पर सवारी तो रोडियो में अमेरिका की ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है, इन जंगली बैलों के ऊपर सवारी वगैरह, और फिर रोडियो के नतीजे में जो जुर्म होते हैं इन जानवरों पर, बहुत ही दर्दनाक मजालिम होते हैं। इसी तरह जो स्पेन में वो
गायों उनके साथ बैलों के साथ लड़ाई के नतीजे में सिर्फ वो उसको ही बेदर्दी से नहीं मारा जाता बल्कि एक कौमी मशाला बन गया है कि गलियों में इनको दौड़ाते हैं और खौफनाक वाशियाना आवाज़ें निकाल कर इनको सरासीमा कर देते हैं इस हद तक कि कोई होश नहीं रहती, दौड़ते चले जाते हैं जहाँ कभी कोई आदमी नज़र आएगा, बल्कि होते हैं उन्होंने अपने चढ़ने के सामान किए होते हैं उन पर हमले करते हैं, यहाँ तक के बिलाखिर एग्जॉस्ट होने के बाद जब कोई जान न रहे यानी इनके दिल नाकाम हो जाते हैं, दिल धड़कना बंद कर देते हैं, हार्ट फेलियर जिसको कहते हैं, चलते चलते अचानक मर जाते हैं। एक खबर आई थी कि स्पेन में, ये किसी में स्पेन ही की बात है, वहाँ एक बैल जिसको बहुत ही दर्दनाक तरीके पर हरासा किया गया, उसने जान दी चर्च के कदम दरवाजे के ऊपर। यानी ये लिखने वाले ने बहुत दिलचस्प मजमून इस पर बनाया कि गोया ये भी एक जानवर का एहतजाज है कि तुम इस ईसाइत की तालीम के का ये इजहार कर रहे हो जिसके नाम पर चर्च बनाया गया है, क्या ईसा ने ये तालीम दी थी? तो बहुत अच्छा मजमून है और वाकई सही था। मैंने ही चर्च के ऊपर जाकर फिर वो एक तरफ हटा है और चर्च की चौखट पर सर रख के मरा है। उसकी वजह यह है कि वो जानवर जब मरते हैं, यही ख़ास तौर पर ये जो बुल फाइटर्स मारते हैं जानवरों को, तो उस वक्त वो किसी दीवार या किसी ठोस चीज़ के करीब पहुंचते हैं और ये जानवरों में अमूमन रुझान देखा गया है। अगर उसको पता लगे कि अब मेरी मौत का वक्त आ गया है तो खुले मैदान में नहीं मरेगा, कोशिश ये करेगा कि किसी दीवार, किसी ओट, किसी दरख्त का सहारा ले ले और वहाँ जान दे। हमने इसमें हिरन के शिकार में भी देखा है, पीछे मॉरिशस में जब मैंने किया था तो वो गोली लगने के बाद कुछ देर निकल गया, आगे निकल गया और जंगल बहुत गहरा था, हम उसको पकड़ नहीं सके, तो दूसरे दिन वो मिल गया। लेकिन जो तलाश करने वाले थे उन्होंने कहा हमें पता था कहाँ होगा, क्योंकि ज़रूर किसी बड़े दरख्त या किसी चट्टान की ओट में इसको मिलना था, वहाँ इसने पहुँच कर दम दिया होगा, बिल्कुल उनके अंदाजे के मुताबिक वहीं से निकला। तो ये जो वाक़या हुआ है ये कोई इन मानों में मौजा नहीं है कि उसने जान कर चर्च को ढूंढा और वहाँ गिरा, ये आदत है जानवरों की। लेकिन सबक देना था अल्लाह ताला ने इनको, मौका देना था कि ये तुम इनको बताया कि तुम ईसाई की तालीम से कितना दूर जा चुके हो। हज़रत अयूब अपने वालिद से और फिर अपने दादा के हवाले से बयान करते हैं, ये तिर्मिज़ी अबाबुल बिर से किताब रवायत ली गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई बेहतरीन आला तोहफा नहीं जो बाप अपनी औलाद को दे सकता है। ये बच्चों के साथ उसने सलूक की बात शुरू हो गई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अनस बिन मालिक, कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों से इज़्ज़त के साथ पेश आओ और उनकी अच्छी तरबियत करो। ये जो मज़मून है बच्चों से इज़्ज़त के साथ पेश आना, ये बहुत अहमियत रखता है। जो माँ बाप अपने बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं करते, लोगों के सामने उनको डांटते टपटते या उनकी लवजिश पर बड़ी सख्ती से पकड़ करते हैं, उनका किरदार बाज़ दफ़ा हमेशा के लिए ज़ख्मी हो जाता है और वो बागी बनकर बड़े होते हैं। और ये बगावत जो है वो सिर्फ माँ बाप के मुतालुक में नहीं बल्कि सारे माशरे के खिलाफ फसाद बरपा कर देती है, ये बागियाना रुझान। तो बच्चों की तरबियत सोसाइटी को फसाद और शर से बचाने के लिए बेहद अहमियत रखती है। पिछले दिनों एक सवाल जवाब की मजलिस में जहाँ बाज़ अंग्रेज़ दानिश्वर आए हुए थे, उस वाक़े पर बात हो रही थी जो एक जालिम ने यहाँ बच्चों को रैपिड फायर के ज़रिए, जो तेज़ खुदकार राइफलें हैं तेज़ फायर करने वाली, उनके ज़रिए उनको छोटे छोटे मासूम बच्चों को और उनकी उस्तानियों वगैरह को भी उनको गोलियों का निशाना बनाया और चीखों पुकार का एक दर्दनाक आलम था। जो बचे थे लेकिन अक्सर मर गए और
खून की नदियां बह गई वहां। इस पर ये फैसले शुरू हुए कि लाइसेंस के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये मौजू जब अभी बहुत दिलचस्पी का मौजूद था, उस वक्त ये वफद आया हुआ था सवाल जवाब की मजलिस में, तो उन्होंने ये पूछा कि आपका क्या अंदाज, क्या ख्याल है। मैंने कहा बंदूकें या पिस्तौलों के लाइसेंस ना देने से तो मसला हल हो नहीं सकता। और ये भी नहीं सोचा आप लोगों ने कि यहाँ अक्सर जो जराइम हो रहे हैं वो बेलेंस लाइसेंस के हथियारों से हो रहे हैं। जिस सोसाइटी में बेलाइसेंस के हर किस्म के खुदकार हथियार हासिल करना कोई मामूली बात हो, जहाँ फौजी जब वापस आते हैं तो अपनी राइफलें भी बेच देते हैं यहाँ आकर, और उनकी तलाशी में तलाशी ऐसी नहीं होती कि उनके सामान से एयरपोर्ट की राइफलें और इस किस्म के हथियार वापस ले लिए जाएं। तो बहुत ही बच्चगाना बात है, आपकी पुख्ता समझ की कौम से ये तवक्को नहीं है कि ऐसे बच्चगाना फैसले करें। लाइसेंस के मतलब ये बात तो हो सकती है कि लाइसेंस पर एहतियातें की जाएं, मगर एक रास्ता खुला हो और पूरा बड़ा रास्ता खुला हो, वहाँ से इनका हथियारों का सैलाब अंदर आ रहा हो, वो तो बंद ना करो। और एक ट्रिक छोटी सी जहाँ से एक कतरा शायद कभी कोई खून कभी निकला है उसको बंद कर रहा है, ये तो कोई अक्ल की बात नहीं। दूसरे मैंने कहा ये जो पागलपन है ये आम पागलपन नहीं है, ये एक ऐसी बगावत का मजहर है जो बचपन में पैदा हुई है। एक बच्चे से जो आप लोग सलूक करते हैं वो वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, उसके नतीजे में बाज़ कजियाँ पैदा होती हैं, बाज़ बागियाना इरादे पैदा होते हैं जो रस्ता रस्ता इंसान की ज़ात पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और इसको आम पागलपन कहना गलत है। पागल ज़्यादा जुर्म नहीं किया करता, पागल तो एट रैंडम कभी कोई किसी को मार दे, किसी को ठोकर दे लगाए, लेकिन ये जो बात है ये अंदरूनी दबे हुए बागियाना जज्बे का मजहर बात है। और अगर इसको लाइसेंस ना भी मिलता तो आग भी तो लगा सकता था, मस्जिद की तिलियां भी बंद कर दोगे, पेट्रोल बंद कर दोगे। इसलिए ये घबराई हुई कौम है जो हाथ डाल रही है इधर उधर के किसी तरह हम अपने मसाइल को हल कर सकें। मसाइल का हल इलाही तालीमात ही में है, और जो आहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से हुस्ने सलूक की तालीम अता फरमाई है हमें, ये बहुत ही अहम है। अगर मुसलमान माशरे में भी ये राइज हो जाती तो आज जो फसाद हम मुसलमानों मुल्कों में देख रहे हैं कभी भी ऐसा ना हो सकता। जिन बच्चों के साथ रहमत और शफकत का सलूक हो, जिनकी इज्जत की जा रही हो, जिनकी मर्जी पर नज़र हो और उसके बावजूद तादीब का सिलसिला भी जारी हो, उनको प्यार और मोहब्बत से आला अखलाक की तालीम दी जाए, उनके लिए नामुमकिन है कि वो गलियों में निकल कर ऐसे भयानक मजालिम करें कि दूसरों के बच्चों पर कब्जे कर लें, उनको जान से मारने की धमकियां दें, अगर पैसे ना मिलें तो हम कत्ल कर देंगे और फिर वाकयातन उनकी लाशें बोरियों में बंद करके वालदैन को भिजवा देंगे, ना दो पैसे। अब ये देख लो हाल, जिस कौम का ये हाल हो गया हो वो आइंदा कौमों की ज़िंदगी में एक इज्जत की ज़िंदगी बसर करने का दावा कैसे कर सकती है। मगर वहाँ भी बुनियादी बात वही है, इस्लामी तालीम से हट गए हैं। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से हुस्ने सलूक की तालीम पर अमल होता तो हर इस्लामी मुल्क में एक जन्नत का मुआशरा कायम हो सकता था। लेकिन यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। हमारे ये नासिर साहब जिस कल्चर से आए हैं यूपी की, वहाँ बच्चों से बहुत इज्जत का सलूक कर रहे होते हैं और आप करके बात करते हैं इन साहब ने ये किया ये, बाज़ दफ़ा मुलाकात में ख्याल नहीं आता कि बच्चे की बात कर रहे हैं और वो ऐसा इज्जत और एहतराम का सलूक हो रहा होता है कि आदमी समझता है कि शायद किसी और की बात कर रहे हैं, बताना भूल गए कौन है, वो पास बैठा हुआ बच्चा होता है। लेकिन इसके साथ ही इसी माशरे की इस कल्चर के साथ साथ उन्हीं बच्चों के ऊपर जब बरसते हैं तो ऐसा बरसते हैं कि कोई होश नहीं रहती, हर किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन मुगल्लज़ात में भी एक एहतराम का लहजा होता है,
जनाब आप महज कुत्ते हैं। अब ये हालत है, ये तो बात वही कान वही टूटेगी आखिर, कि इज्जत नफ्स जो है वो सिर्फ जुबान की होशियारियों का नाम नहीं है। इज्जत नफ्स एक गहरा मजमून है कि किसी हालत में भी ऐसा सलूक बच्चे से ना करो कि वो समझे कि मेरी इज्जत ही कोई नहीं है। और जितने दिमागी खराबियों के मामलात आते हैं मेरे सामने होम्योपैथिक इलाज के ताल्लुक में, उनकी भारी अक्सरियत वो है जहां बच्चे की इज्जत नफ्स कुचली गई है और उसके नतीजे में खराबियां पैदा होती हैं। वो बाद दफा माँ बाप कुचलते हैं, बाद दफा मुआशरा कुचलता है, बाद दफा बुली बच्चे जो हैं वो स्कूल में उससे ऐसा जालमाना सलूक करते हैं कि वो अपनी जात में सिकुड़ जाता है और बुझ जाता है, और फिर रफ्ता रफ्ता उसके दिल में बागियाना ख्याल उठने शुरू हो जाते हैं। तो इस्लामी तालीम जो बच्चों से ताल्लुक में है बहुत ही गहरी और देरपा असर रखने वाली, आइंदा नस्लों पर असर डालने वाली तालीम है। जहां तक सख्ती का ताल्लुक है उसमें भी एक दस्तूर है, एक हदूद कायम की गई हैं। और नमाज के ताल्लुक में इस्लाम की ये तालीम आपके सामने बारहा पेश की जा चुकी है कि 7 साल के बच्चे हो जाएं तो नमाज पढ़ाओ, लेकिन 10 साल तक उन पर सख्ती ना करो। 10 से 12 साल की उम्र में उनको मामूली बदनी सजा दे सकते हो, लेकिन बड़ी ताकीदें हैं कि मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना, कोई ऐसी सजा ना दो जिससे निशान पड़े। मामूली बदनी सजा 12 साल के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो, और फिर तुम्हें कोई हक नहीं कि उनको नमाज के मामले में उन पर जबर करो। जो पहला जबर है वो मजहबी जबर नहीं है, वो दौर है एक 10 से 12 साल तक का जिसमें माँ बाप को लाजमन हक मिलना चाहिए कि बच्चों से की तरबियत के दौरान कुछ ना कुछ सख्ती भी करें, क्योंकि ये लड़कपन का वो लावाली दौर है जिसमें अच्छे शरीफ बच्चे भी जब इस उम्र को पहुँचते हैं तो कोई टेढ़ी शरारतें शुरू कर देते हैं, और कुछ सख्ती लाजमन उनके साथ होनी चाहिए। और बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए तो फिर वो हाथ से निकल ही जाएंगे। इसलिए ये उस दौर की इजाज़त है, ना कि मज़हब के मामले में सख्ती की। तभी जब वो बुलूगत की उम्र में पहुँच रहे होते हैं और जब वो अपने अमाल के खुदा के सामने जवाबदेह होते हैं, वहाँ माँ बाप को भी रोक दिया कि तुमने हरगिज़ उन पर सख्ती नहीं करनी। 12 साल की उम्र अमूमन बुलूगत की उम्र के आगाज़ के लिए इस्तेमाल बयान की जाती है, तो ये याद रखना चाहिए कि उस उम्र में जाके फिर दूसरी सख्तियों से भी एतराज़ करें, क्योंकि अगर नमाज में सख्ती से मना फरमाया गया है तो एक असूली बात है, जिसका मतलब यह है कि उस उम्र में जो सख्ती है वो जिन बातों में सख्ती करोगे उनके खिलाफ भी रद्दअमल पैदा कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को जो बुलूगत की इस उम्र को पहुँचें, जो आगाज़ है, आगा उन फवान जवानी है, उनको अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, तो बाद दफ़ा वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और वहीं हॉस्टलों में रहते हैं तो घर पर आराम दे जाते हैं कि अब नमाज़ें अपने घर रखो, अब हमने नहीं पढ़नी। और इतना गहरा असर बाद दफ़ा पड़ जाता है कि वो फिर ऐसे माशरे में जहाँ दूसरी तरफ आज़ादी हो और गैर अखलाकी हरकतों की हौसला अफजाई हो रही हो, वहाँ तो एक इंतकाम की रूह के साथ मुसलमान बच्चों की पुष्टपनाही की जाती है कि तुम्हारे माँ बाप का कोई हक नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी मजहबी अखलाकी अकदार पर जबर के साथ कायम रखें, और मामूली भी सजा दें तो हमें बताओ, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और फिर ऐसे बच्चों को निकाल के वो सोशल तंजीमों के सपुर्द कर देते हैं जिनका अपना हाल ये है कि उनके जराइम की फहरिस्त बहुत ही लंबी हो चुकी है, और बहुत से कमीशन ऐसे बैठे जिन्होंने कथित तौर पर साबित किया कि बच्चों को इस वक्त तो सबसे बड़ा ख़तरा उनकी उन सोशल तंजीमों से है जिनके सपुर्द मासूमों को कर दिया जाता है, और बड़े बड़े ज़ालिमाना तौर पर उनसे बाज़ दफ़ा जिनसी ताल्लुकात कायम करके उनको इस
इंतहाई खौफ में मुबतला रखा जाता है कि अगर इशारतन भी थोड़ी बात बाहर निकली तो हम तुम्हें ये कर देंगे। और ऐसे मामलात अदालतों में आते हैं, तहकीक की कमीशन बैठते हैं, तो एक माँ बाप से छीन कर इसलिए कि एक माँ ने गलती से थप्पड़ मार दिया, ऐसे जालमों के सुपुर्द भेड़ियों के सुपुर्द कर देना, ये कौन सा इंसाफ है? मगर जहाँ ये होता है वहाँ अहमदी माशरे को बतौर ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े खतरात हैं इसमें। अगर आपने अपने बच्चों से ख़ास तौर पर इस उम्र में सजा देने में एहतियात न की और इस्लामी तालीम को पसपुष्ट फेंका, तो इसके बड़े भयानक नतज निकल सकते हैं और बाद मामलों में निकले हैं वाकई। अरबों में खसूसियत से औरतों और बच्चों पर से हुस्न सलूक को बाज दफ़ा एक मर्द के मर्दाना सिफात के खिलाफ समझा जाता था, और मर्दानगी की अलामतों में यह भी था कि बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करनी, कभी देखना भी नहीं। और ये जो रवायतें हैं या पाकिस्तान की विवाद कौमों में भी मौजूद हैं कि बड़ा रईस कोई पठान मौजूद हो या कोई और रईस, वो समझता है कि हमारे बच्चे तो खैर हैं ही पलते हैं, माँ बाप माँ देखें, अवाम उन्नास में उन बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करना, उनके बोसे लेना, ये वो समझते हैं कि हमारी शान और इज्जत के ख़िलाफ़ है। अरबों में भी ये रिवाज था, चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब हज़रत हसन का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बोसा लिया तो एक शख्स ने आगे से अपनी तरफ से अपनी शान बयान की, और हैरत होती है कि उस वो कौन था जिसने ये सवाल उठा दिया। उसने कहा मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी किसी बेटे का बोसा नहीं लिया। अब ये अखरा बिन जालिस नाम बयान हुआ है, कुछ पता है कौन थे ये? मैं कोई बदली हूँ, कोई सहाबा में तो ऐसी जरूरत का सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर हर किस्म के लोग आते थे वहाँ, हो सकता है कोई बाहर से आया हुआ बदवी हो। उसने कहा मैंने तो मेरे तो 10 बेटे हो गए, मैंने तो कभी नहीं, आप इस एक कभी ले बोसे ले रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा, इन तुम्हारा दिल रहमत और शफकत से खाली है, ये कोई शान नहीं है मर्दाना, ये तुम्हारे दिल की सख्त दिली के मजहर बात है, लेकिन याद रखना कि तुमसे भी फिर खुदा ऐसे ही सलूक करेगा। हज़रत उमर बिन अबी सलमा जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब थे बयान करते हैं कि बचपन में मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहता था, खाना खाते वक्त मेरा हाथ थाली में इधर उधर घूमता फिरता था, यानी कोई बूटियों की तलाश में, कोई अच्छे लुकमे के लिए यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। हुजूर ने मेरी इस आदत को देखकर फरमाया खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ, यानी जो सामने है वहाँ से शुरू करो, यूँ तलाश करता करते हल चला देना खाने के अंदर ये जायज़ बात नहीं है। तो कहते हैं उसके बाद से फिर मैंने खूब इस नसीहत को पकड़ा। अब ये जो बचपन में नसीहत की जाती है ये बहुत अहमियत रखती है, अगर गुस्से से ना की जाए, अगर इंतकामी जज्बे से ना की जाए, तो छोटी सी छोटी बचपन की नसीहत बार दफ़ा सारी ज़िंदगी दिल पर पत्थर की लकीर बन के बैठ जाती है। और आप लोग जो भी हैं, जिस उम्र के भी हैं, अगर अपने अखलाकी कदरों का जायज़ा लें तो आपको ज़रूर आला अखलाक की कोई ना कोई बुनियाद बचपन की किसी नसीहत में मिलेगी, जो एक दफ़ा घर कर जाए तो फिर छोड़ती नहीं कभी, ना बचपन की याददाश्तें बेटा करती हैं ना इस किस्म की नसीहतें। तो प्यार का सलूक करें और मोहब्बत के साथ नसीहत करें, जिसके दौरान बच्चे के दिल में कोई मुखालफाना जज्बा ना पैदा हो बल्कि कबूलियत का रुझान उसके दिल में हो, तो इस रंग में नसीहत की जाए, ऐसे वक्त में नसीहत की जाए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतल्लिक़ बयान करती हैं, और इससे पता चलता है कि हज़रत आयशा पर जो
ये इल्ज़ाम है कि आप हजरत फातिमा से एक रश से बड़े हुए रश जो हसद तक पहुंच गया था ये ताल्लुक़ रखती थी, बिल्कुल झूठा है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत आयशा का ताल्लुक वही था जो एक सच्ची प्यार करने वाली माँ का अपने से बड़ी उम्र की वो भी बच्ची हो तो उससे होता है। और ये जो आपका बयान है हजरत फातिमा के मुतलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये नामुमकिन है अगर दिल में ताल्लुक और प्यार ना हो तो इस तरह की बात बयान फरमाएं। कहती है मैंने फातिमा से बढ़कर शक्ल सूरत चाल ढाल और गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबे किसी को नहीं देखा। एक तो इतना अजीम शान कॉम्प्लीमेंट, और फिर इस कॉम्प्लीमेंट का नतीजा क्या है? क्या उससे नफरत जो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो? एक छोटी सी आवाज की मुशाबत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हलचल मचा दी थी कि खदीजा की सी आवाज है। हजरत फातिमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हमेशा गुम रहा करती थी। छोटी सी बात पर आपके दिल में एक क़ामत रुपा हो जाया करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था, आप यूँ किया करते थे, आप ये किया करते थे। तो इसके नतीजे में जो ये हदीस है ये बता रही है कि आप लाजमन हजरत फातिमा से बेहद प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक रखती थी। कहते हैं फातिमा जब कभी हुजूर से मिलने आती तो हुजूर उनके लिए खड़े हो जाते, उनके हाथ पकड़ कर चूमते, अपने बैठने की जगह पर बिठाते। इसी तरह जब हुजूर मिलने के लिए फातिमा के यहाँ तशरीफ ले जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वो खड़ी हो जाती हैं, हुजूर के दस्ते मुबारक का बोसा देती हैं और अपनी ख़ास जगह पर बैठने के लिए बैठने की जगह पर हुजूर को बिठाती हैं। अब ये जो दो दोहरे रिश्ते बयान हुए हैं इसमें इस्लामी तहजीब का एक अहम नुक्ता बयान हुआ है कि बसा औक़ात उम्र का बड़ा होना या उम्र का छोटा होना एक सलूक का तकाज़ा नहीं करता, बल्कि मेहमान होना और मेज़बान होना, एक घर के घर में आने वाला ज़ायर और घर में बैठकर एक ज़ायर को वसूल करने वाला, ये ताल्लुक डोमिनेट करता है। अब रास्ता चलते भी रसूल ने फरमाया जो चलने वाला है उसका फ़र्ज़ है जो बैठे हुए हैं उनको सलाम में पहल करें। तो हकूक़ की जहाँ तक तफरीक और तकसीम का ताल्लुक है, इस्लाम में इतनी लताफत के साथ, इतनी दिलकशी के साथ तमाम हकूक़ की तफासील बयान हो गई हैं कि किसी जगह भी कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इस शान का के मुअल्लिम से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमतें सिखाने वाले, तालीम किताब देने वाले, और हर तफसील में उतर कर हमारी तहजीब के एक एक नक्श को आपने खूबसूरत बनाया है। बस जब आती थी तो ये नमूना था कि मेहमान है, खा बच्चा भी हो, मेहमान की इज़्ज़त अफजाई करनी है। और जब जाते थे तो हज़रत फातिमा ये सबक याद रखती थी और वही उनकी बातें करती थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखती थी। हज़रत अनस बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक वो भी बात करनी है, मुझे 12:30 बता देना फिर। हाँ, हज़रत अनस बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम की वफ़ात के वक्त तशरीफ़ लाए, आपकी आंखों में आंसू थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कुछ ताज्जुब का इजहार करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? मतलब है इतने सब्र वाले और बच्चों की वफ़ात पर आप भी रो पड़े, ये मुराद थी। मैंने रसूल सल्लम को नमाजों और दुआ में रोते तो उन्होंने बारहा देखा होगा। इस पर आपने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये तो रहमत और शफ़क़त है, आपके आंसू जारी थे और कहते जाते थे आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम वही कहेंगे जिसको हमारा रब पसंद करता है, ए इब्राहिम के जुदाई से हम गमगीन हैं। यानी गम का होना या बच्चे की वफ़ात पर सदमा पहुंचना, ये हरगिज़ इस्लामी अखलाकी या रूहानी तालीम के मुनाफी नहीं है, बल्कि ऐन उसके मुताबिक है।
हाँ वावेला करना मना है, हाँ खुदा ताला की तकदीर से शिकवा करना मना है। बस ये मजमून है जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे मुबारक अहमद की वफ़ात पर इसी बात का इजहार किया कि जिगर का टुकड़ा है जो जुदा हुआ है, मगर आखिरी बात यही है, बुलाने वाला है सबसे प्यारा, उसी पे दिल तू जान फिदा कर। जो बुलाया गया है वो प्यारा है, मगर बुलाने वाला सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इस मज़मून को अगर हम समझ लें तो हमारी राफत और शफकत के राह में ये मज़मून हायल नहीं होता, उसको अपने मकाम पर रखता है और उसमें एक तस्कीन पैदा कर देता है। वरना अगर रज़ाए बारी ताला के मज़मून से अलग होकर आप बेचैनी और दुख का इजहार करेंगे तो वो दुख आपका जानलेवा साबित हो सकता है, आपको हमेशा के लिए बेकरारी बख्श सकता है, दे सकता है, जो बाद औरतों के मुतालुक में तो मौत तक जारी रहती है। मगर दर्द का मज़मून जारी रहे और तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह ताला से गालिब मोहब्बत का एहसास इस पर हावी हो तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है और हर मुसीबत भी निस्बतन आसान हो जाती है। अपने बच्चों से हुस्न सलूक के ताल्लुक में एक रवायत में बेटों का जिक्र है, मगर ज़्यादातर बेटियों की तरबियत के ताल्लुक में यह जिक्र है और उनके साथ हुस्न सलूक, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के नतीजे में जन्नत की खुशखबरी ये दरअसल गालब इस वजह से होगी कि अरबों में चूंकि लड़कियों की इज्जत नहीं होती थी इसलिए घर में बच्चियों को कोई अहमियत नहीं देते थे। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लड़कियों के ज़िमन में नसीहत फरमाते हैं कि जो इसने अच्छी तरबियत की, उनसे मोहब्बत का सलूक किया, उनको उनका बारीक बातों में ख्याल रखा, तो एक हदीस में आता है कि वो दो बेटियों की अगर उसने ऐसी तरबियत की हो तो वो अपने ऐसे बाप या माँ बाप और जहन्नम के दरमियान दरवाजे में रोक बन के खड़ी हो जाएंगी, यानी अल्लाह ताला की रहमत को याद दिलाएंगी कि इसने मुझसे ये ऐसा सलूक फरमाया है, तू भी इससे रहम का सलूक फरमा। ये जो हदीस है इसकी बुनियाद कुरानी आयत में है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ मेरे रब इन दोनों पर, मेरे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह सिगर सनी में ये मुझ पर रहम फरमाया करते थे, हम पर रहम फरमाया करते थे, ये मुझ पर रहम फरमाया करते थे। तो ये हदीसें जो हैं इनकी भी सब बुनियादें कुरान करीम में हैं जो हकीकी सच्ची हदीसें हैं। पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मिसालें दी हैं ये कुरानी आयात ही की तशरीह है कि रहम का सलूक करो औलाद से। कुरान करीम ने तफरीक नहीं की लड़के और लड़की के दरमियान, मैं ये बता रहा हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को बतौर ख़ास इसलिए चुना है कि अरब मुआशरा इस बीमारी में मुब्तला था कि लड़कियों के हकूक़ अदा नहीं किए जाते थे और यही बीमारी आज हमारे मुआशरे में भी कहीं कहीं दिखाई देती है और उसके नतीजे में फिर बहुत तकलीफ़ सूरत हाल पैदा हो जाती है। बाज़ माएँ लड़कों को तो खुदा बना लेती हैं, वो उनकी पूजा हो रही है, खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें, अपनी बहनों पर जुल्म करें, उनकी चुटियाँ चोटियाँ खींचें, पीछे से बेइज्जतियाँ करें, सब बातें जायज़, मगर मजाल है जो कोई बहन अपने भाई के मुतल्लिक कुछ कह जाए। तो ये औरतें जहालत का एक क्या कहना चाहिए इसको, करिश्मा है या क्या कह रहे हैं, हद से ज़्यादा जहालत का मज़हर है। और ये पुरानी जाहिराना जो अरब तहजीब थी औरतों को नज़रअंदाज करना और बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत देना, ये उसी के मज़हर एक बीमारी है जो आज तक चली आ रही है और औरत की तहकीर औरत करती है, शिकवे मर्द से करती है। फिर ये मर्द, ये बच्चा जो बड़ा हो के सोसाइटी में निकलेगा तो जहाँ भी इसकी शादी होगी वहाँ बलाए जान बनकर उतरेगा, उनके ऊपर अजाब बनकर नाजिल होगा। वो फिर यही सलूक चाहता है, मेरी बीवी मेरी पूजा करे, मुझे अजमत दे,
नौकरों की तरह खिदमत करे और फिर इंतजार करे कि मैं खाना खा लूं शेर होकर तो मेरा बच्चा कुछ खाए। ये बातें कोई पुराने जमाने की अरबों के जमाने की बातें नहीं, मैं कर रहा इस जमाने में होती हैं। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसाहे और सुन्नत से गुरेज की ज़रूर सज़ा मिलती है। ये बज़ाहिर ऐसी नसीहतें हैं जो नकली रंग नज़र में दिखाई देती हैं, मगर हक बात से गुरेज की लाजिमन सज़ा मिला करती है, तभी वो कानून कुदरत के तौर पर। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक ये कमाल है कि चूँकि वो ऐन फितरत के मुताबिक है, इसलिए उससे इन्हराफ हम मुसलमान करें या गैर मुस्लिम करें, हर सूरत में वो सज़ा पाएगा और उसका मुआशरा सज़ा पाएगा। और आपके रहमतुल आलमीन होने की एक ये भी तारीफ़ है कि आपकी तालीम मुसलमान ही के लिए नहीं, मोमिन के लिए नहीं, बल्कि सब जहान के लिए रहमत है। वो एतराज़ करके देखें, उनको जबर से रोका तो नहीं जाएगा, मगर जहाँ जहाँ वो उस तालीम को छोड़कर दूसरा रवैया अख्तियार करेंगे वहाँ कानून कुदरत उनको ज़रूर सजा देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि एक औरत का खाउन फौत हो गया, उसका उससे एक बच्चा भी था। बच्चे के चचा ने औरत के वालिद से उस बेवा का रिश्ता मांगा, औरत ने भी रजामंदी का इजहार किया, लेकिन लड़की के वालिद ने उसका रिश्ता उसकी रजामंदी के बगैर किसी और जगह कर दिया। इस पर वो लड़की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और शिकायत की। हुजूर ने उसके वालिद को बुलाकर दरियाफ्त किया, उसके वालिद ने कहा कि इसके देवर से बेहतर आदमी के साथ मैंने इसका रिश्ता कर लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के किए हुए रिश्ते को तोड़कर बच्चे के चचा यानी औरत के देवर से उसका रिश्ता कर दिया। अब ये एक हदीस है जो कज़ाई नौयत की है, लेकिन इसको कज़ा में सनद नहीं बनाया जा सकता, और ये इसी किस्म की बात नासिहाना कार्रवाइयाँ हैं जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही हक था जैसे एक ख़ानदान के ऐसे सरबराह का जिसके आंख के इशारे पर सारा ख़ानदान जान छिड़कता हो, और वहाँ कानून नहीं पूछा जाता किस शरीयत के कानून से किस हुक्म के ताबे आप ऐसा कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम की ये हैसियत जब नज़रअंदाज कर दी जाती है तो फ़िक़्ह में अजीब व गरीब बातें शुरू हो जाती हैं, जहाँ आपने अपनी इस खास शान को इस्तेमाल फरमाया है और सोसाइटी ने बग़ैर सवाल की आपकी बात मानी है, और जहाँ भी ये हक़ इस्तेमाल किया है वहाँ बरमहल किया जानते हुए कि ये वो लोग हैं जिनको मेरे इशारों पर चलना ही उनकी जन्नत है, और कभी वो सवाल नहीं उठाएंगे कि ये किस हुक्म पे कह रहे हो, किस हुक्म पे कर रहे हो। तो ये ख़ानदानी जो बुजुर्गी का तस्वुर है उसके ताबे ये बातें हों और तस्लीम हो तो फिर फिका को उसमें दखल देने का कोई हक़ नहीं, लेकिन अगर तस्लीम ना हो तो फिर सुन्नत के इन पहलुओं को कज़ाई फैसलों पर लागू नहीं किया जाएगा कि हर ऐसी सूरत में ज़रूर उसका रिश्ता तोड़ के देवरी से किया जाए, ये नामुमकिन है। बस मैं वो कज़ा वालों को बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को अपने फैसलों में नज़ीर ना बनाएं, हाँ इसकी रूह को पेश नज़र रख के जमात में ये जारी करनी चाहिए बात कि औरतों की अपनी मर्ज़ी को बहुत दखल है, और सवाए इसके कि शरी उज़र कोई हाथ आए उस वक्त तक किसी औरत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती किसी तरफ भेजना जायज़ नहीं है, ख़ा बाप ही ऐसा करे। ये वो बात है जिसका हक़ इस्लामी माशरे को इस्लामी निज़ाम को हासिल है, अभी भी यह हक़ हसब मौका इस्तेमाल होता है। और बसा अवकात ऐसी बच्चियाँ जो मुझे शिकायत भेजती हैं, मैं जब कमीशन बनाकर मालूम करता हूँ तो वहाँ भी ये अब तक अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि जब मैं फ़ैसला करता हूँ तो फरीकैन दोनों ही खुशी से कबूल करते हैं, तो उस फैसले की हैसियत बैन ही कज़ाई फ़ैसले की नहीं होती, वो इसी किस्म का फ़ैसला है जैसे
एक घर का सरबरा अपने खानदान में एक फैसला करता है, लेकिन जरूर जरूर पेश आती है। कई दफा बच्चियों के हक में फैसला करना पड़ता है, माँ बाप खुशी से तस्लीम कर लेते हैं। कई दफा माँ बाप के हक में करना पड़ता है, बच्चियाँ खुशी से तस्लीम कर लेती हैं। तो माशरे में हुसन पैदा करने के लिए इस सुन्नत को अपनाना तो जरूरी है, मगर कज़ा में रोज़मर्रा के तौर पर इनको नज़ीर बनाकर हर हाल में देवर से ज़बरदस्ती शादी करना जायज़ नहीं है। हज़रत सुराखा बिन मालिक बयान करते हैं, ये इब्ने माजा अब बाबुल अदब से हदीस ली गई है। हज़रत सुराखा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदक़े के बारे में ना बताऊँ? तुम्हारी मुतल्लक़ा या बेवा बेटी जिसका तुम्हारे सिवा और कोई कमाने वाला ना हो कि ज़रूरियात का ख्याल रखना बेहतरीन सदक़ा है। मुतल्लक़ा या बेवा बेटी को अपने मामलात में, शादी ब्याह के मामले में अपना फ़ैसला करने का हक़ यह एक अलग मसला है, लेकिन उसका माँ बाप पर फिर वैसा हक़ नहीं रहता। दूसरी तरफ ये भी है कि वो लाजमन उसके नान नफ़ा के ज़िम्मेदार हों, इसलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इस मामले को एहसान की तालीम में रखा है। और ऐसी बेवाएँ या मुतल्लक़ा औरतें जिनके माँ बाप भी ना हों या कोई पूछने वाला ना हो, वो इस्लामी माशरे की इज्तमाही ज़िम्मेदारी के नीचे होती हैं, उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाता, मगर इस्लामी माशरे का फ़र्ज़ है कि इनका ख्याल रखें। और ये तालीम पहले सूरह निसा में गुजर चुकी है। बस इस पहलू से यहाँ सदक़े के ताबे ये बयान करना मुराद ये है कि अगरचे तुम्हारी बेटी है, उसकी ये हालत है, लेकिन याद रखना अल्लाह ताला तुम्हारे इस फेल को एहसान के तौर पर रहमत और शफ़क़त की नज़र से देखेगा, और तभी हालत के नतीजे में भी ये बात हो तब भी ये बात ख़ास तौर पर जज़ा का मूजिब बनेगी और अल्लाह ताला की रज़ा खींचने का मूजिब होगी। अच्छा जी, आगे इत्तफाक ऐसा हुआ है कि वही लंबा इक्तवास अहमदियत ने हकीकी इस्लाम से आ रहा था, जिसकी तरफ मैं हमेशा हवाला दे दिया करता हूँ कि तफसीली जो इस्लामी मुआशरा इस ताल्लुक़ में होना चाहिए उसकी मालूमात हासिल करनी हो तो अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम सफ़ा 188-190 एडिशन चहारम तबात 1978 में हज़रत मुस्लिम मौऊद के कलम से मज़मून ज़ेर बहस आ चुका है। आगे देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कर लेंगे, वरना फिर यही काफ़ी है। ठीक है, अब जो अहम बात जिसके लिए मैंने कहा था कि आखिरी आधे घंटे में या उससे कुछ कम में मैं आपके सामने रखूँगा, वो मुबाहले के इस नए चैलेंज से मुतल्लिक है जो मैंने दिया। इसमें मैंने वजाहत कर दी खूब खोल कर कि जिस किस्म का तुम मुबाहला बनाकर, बहाने बनाकर भागने और फरार की राहें बनाते रहे हो, अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है। अब मैं दो बातें तुम्हारे सामने खूब खोल देता हूँ। अव्वल ये कि तुम मुबाहला ना कहो, इसको लानत डाल दो, लेकिन नाम ले लेकर बताओ कि हमारी ये बातें सच्ची हैं, और अगर हम झूठे हैं तो अल्लाह की लानत पड़े हम पर, यही काफ़ी है। और अगर तुम नहीं भी डालोगे तो हम खुदा के हुजूर ये गिरियाज़ारी करेंगे और कहेंगे ये झूठ में पर मुसर हैं, मुसलसल ये हज़रत मसीह अलैहि सलाम और जमात अहमदिया पर नहायत नापाक और गंदे इत्तेहाम इसरार के साथ लगाते चले जा रहा है, इसलिए ये लानत डालें ना डालें, अब हम लानत डालते हैं कि तू इनको इबरत का निशान बना, और ऐसा निशान बना कि जिससे दूसरे हदायत पा जाएं। ये सूरत हाल है अब तक की। और इस सिलसिले में मैंने ये भी ताकीद जमात को की थी, जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, कि पेश नज़र फवायद हों ना कि महज मनफी रद्द अमल,
यानी इस पे राजी ना हो कि बाज़ उलमा को सजाएं मिल जाएं, कौम फट जाए, उसको मुसीबत का शिकार हो जाए, बल्कि बेशरतर ये हो कि ये निशान इस शान से ज़ाहिर हो कि उसके नतीजे में कसरत से लोग हदायत पाएं। अगर ये हो तो फिर अल्लाह ताला के फजल के साथ ये बददुआ भी दुआ है, और बददुआ का जो एक मनफी पहलू है इसमें वो दब जाता है और उसके जो मुस्बित पहलू हैं उनका हुस्न उभर आता है। इसके नतीजे में आपके दिलों पर भी मैल नहीं आएगी, आपके रुझानात में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी, वरना बाज़ दफ़ा मैं सख्त दिली के नतीजे में दुश्मन को बर्बादी के तमाशे देखने की ख्वाहिश रखना खुद अपने इंसान के किरदार को बर्बाद कर देता है, तो ये फिक्र भी साथ लायक होती है। और बार बार समझाता हूँ कि देखो इस तवाज़ुन को ना बिगड़ने देना, जितनी खुशी भी हो वो महज अल्लाह के निशान के इजहार के तौर पर होनी चाहिए। यौम यफ़रहुल मोमिनून, एक ऐसा दिन होगा जब मोमिन बड़ी फरहत महसूस करेंगे, इसलिए कि खुदा के वादे पूरे हुए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जाते ही हर शख्स की तकलीफ के चाहे दुश्मन भी हो, एक इंसान को अगर वो उसका मिजाज इस्लामी तालीम के मुताबिक हो ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ़ पहुँचती है, और अगर नहीं पहुँचती तो उसके दिल में कोई ख़राबी पैदा हो गई है। तो फरा का ताल्लुक ईमान के साथ है, फरा का ताल्लुक इलाही वादों के पूरा होने के साथ ताल्लुक है, दिल की कजी से नहीं है। इसलिए अपने किरदार की भी हिफाजत करें और फिर ये दुआ करें, क्योंकि इनका मामला हद से बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बेबाक हो चुके हैं, और झूठ पर ऐसा इसरार है कि आदमी हैरान होता है, कोई इसका तस्वुर ही इनको नहीं रहा कि सच्चाई कोई चीज़ है। खड़े खड़े झूठे इल्ज़ाम घड़ते और उनको उछालते और आपस में फिर साजिशें करते और मिल के फैसले करते कि ये इल्ज़ाम लगा दो, ये इल्ज़ाम लगा दो, अब ये इल्ज़ाम लगाओ कि फलां सियासी लीडर को जमात अहमदी इतने पैसे दे रही है, फलां सियासी लीडर को उछाल रही, ये बातें भी घड़ी जाते हैं। और इसमें सिर्फ ये पेशेवर मौलवी नहीं बल्कि सियासतदान भी मौलवी बन गए हैं, और बसा औकात देखने में आता है जिस तरह बाज़ दफ़ा मुसावात जो रामे साहब का अखबार है पीपल पार्टी का, उसमें मनगढ़ंत खबरें जानी बूझी झूठी बातें यूँ उछालते हैं कि जैसे बच्चा माँ के दूध के लिए उछल रहा हो और उसको पीने में उसको कोई कबाहत महसूस नहीं होती। इस तरह गंदगी पे मुंह मारते हैं और आप हैरान हो जाएंगे वो खबरें पढ़ के। नाम लिख के मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने हदायत जारी कर दी कि फलां शख्स की वटू की इस तरह तायद की जाए, सिर्फ इसलिए कि उन दोनों वटू से मुकाबला था तो शायद अहमदियत की तायद का दाग लगेगा तो वटू हारेगा इनसे, और उस मुकदमे में जीत गया। तो झूठ बोल बोल के इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, जितने झूठ बोले उस दौर में उसके नतीजे में हुकूमत गई आखिर, कायम तो नहीं गई। तो इनको भी मेरी नसीहत है सियासी मुल्लाओं को कि खुदा का खौफ करो, तुम अपने अंजाम से क्यों बेखबर हो, बार बार अल्लाह ताला की पकड़ तुम पर वादे कर देती है कि इस किस्म के झूठ की कोई कदर और कोई कीमत नहीं होगी, फिर भी बोलते चले जा रहे हो। तो ये वो मजमून है जिसके पेश नज़र मैंने इस बात को अब दोबारा उठाया था इस पस मंज़र में। एक खुशखबरी इसमें यह है कि पहली बार इंग्लिस्तान के उलमा ने खुलकर इस चैलेंज का एक हिस्सा कबूल कर लिया है, लेकिन अपने फरार का रास्ता खोला हुआ है, पीछे ताला नहीं लगाया। एक मौके पर भी इस सारे बयान में आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कहा हो कि अहमदी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत मसीह मौऊद के मकाम को बरतरी देते हैं, बाला समझते हैं, अहमदी ये कहते हैं ये कहते हैं, जब नाम लेते कलमा पढ़ते हैं तो दिल में वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का नाम लेते हैं। ये जो नाम ले लेकर झूठों की तफसील मैंने बयान की थी, ये कहो और लानत डालो, अब इस इकरार में भी ये बात गायब है, जिससे एक बात पता चल गई कि दिल में कोई खौफ तो कुछ पैदा हुआ है, वरना ये खुल कर कहते हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल दोबारा इकरार करते हैं कि अहमदियों का कलमा और है, अहमदियों का खुदा और है, अहमदियों का
इस्लाम और है, अहमियों का ये और है, अहमियों का वो और है, और मरातब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को ये रसूल सल्लम से अफजल समझते हैं, शरीयत उन्होंने तब्दील कर दी है, नई शरीयत नाफिज की है। ये सारी लचर और बकवास और झूठ, इसमें से एक कभी नहीं दोहराया इस कबूलियत के चलने में, इसलिए कि दिल के अंदर कोई ना कोई लर्जा तो जारी हुआ होगा। वो कहेंगे अगर हमें दोहरा दिया और फिर मारे गए तो सारी दुनिया कहेगी देखो झूठे निकले। तो अब इन्होंने बद्दुआ कर दिए सिर्फ, चलो यही सही, कुछ तो बोले। अब मैं उनके अल्फाज बद्दुआ के आपके सामने रखता हूं ताकि कल के जुमे के लिए इन्होंने दिन बनाया है। मैंने पहले सोचा था कि कल के जुमे में ये तफसील बयान करूंगा, लेकिन वो लेट हो जाएगा। हमारे लिहाज से ये बहुत मुबारक जुमा है और बहुत मुबारक जुमा है, क्योंकि आखिरी अशरे में 21वीं तारीख को आ रहा है, और इनके लिहाज से ये 22वीं तारीख को आ रहा है। तो हमें खुदा ने पहले ही एक इन पर फजीलत अदा फरमा दी है। हमारा जुमा लैलतुल कद्र का जुमा बन सकता है, इनका जुमा नहीं बन सकता। और इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हो सकता है पेशगोई का रंग हो कि तुम्हारा ये जुमा कामयाब होगा और इनका जुमा नहीं कामयाब होगा। तो इस पहलू से आज की रात की दुआओं में ये बात पेश नज़र रखें जो मैं आपके सामने चैलेंज पढ़ के सुना रहा हूँ इनके अल्फाज में, अब इसको सुन लें गौर से। 31 जनवरी को यौम दुआ बराए निजात फितना कादियानियत के तौर पर मनाया जाए, ये ऐलान आम है यहाँ इंग्लिस्तान के उलमा का, बोले हैं कुछ तो निकल कर बाहर आए हैं। मैनचेस्टर की खबर है, मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया के मरकजी और इलाकाई ओहदेदारों नाम बनाम मुफ्ती मोहम्मद गुल रहमान कादरी, मुफ्ती अब्दुल रसूल अल अजहरी, पीरजादा सैयद अहमद कादरी, मुफ्ती मोहम्मद अकबर जीरक, मौलाना सईद अहमद सईदी बंदयालवी, मुफ्ती मोहम्मद फजल नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल हक हाशमी, शहजादा जहीरुद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल शकूर हजारवी, क़ारी मोहम्मद सलीम नक्शबंदी, मौलाना नियाज अहमद नियाजी, काजी अब्दुल मजीद पीरजादा, ये काजी अब्दुल मजीद बेचारे पता नहीं कौन है जिनको कुसात आलवी मालवी कुछ नहीं लगाया हुआ है, निस्बतन कम दर्जे के मौलवी हैं कोई। पीरजादा रियाजुल हसन, मौलाना गुराम रसूल चक्सवारी, शेख महमूद, आगे कुछ नाम हैं जिनमें वो ख़त्म हो गए हैं अलकाबात खसूसी, शेख महमूद, सैयद तंजीर हुसैन शाह, मौलाना साहबजादा मिसबाहुल मुल्क, मौलाना खलील अहमद हक्कानी, क़ारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती, क़ारी अब्दुल रसूल हक्कानी, हाफिज अब्दुल हक सईद, मौलाना अरशद जमील, क़ारी मोहम्मद जमशेद सईदी ने मुश्तरका बयान में कहा कि रमज़ानुल मुबारक 31 जनवरी के जुमातुल मुबारक को पूरे बरतानिया और यूरोप भर की अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद में यौम दुआ बराए निजात फितना कादियानियत के तौर पर मनाया जाएगा। आ गए हैं अब ये मैदान में, और जब सब यूरोप के उलमा जो हर इस्लामी तबके फिक्र की अमलन नुमाइंदगी करते हैं आ गए, तो ये कहा जा सकता है कि सब दुनिया के उलमा की नुमाइंदगी हो गई अब इसमें। लेकिन ज़िमनन मैं ये बताऊं कि बाज़ अहमदी अपने भोलपन में इस चैलेंज को मफहूम समझते नहीं, अपने तौर पर अपने साथ काम करने वाले दूसरों को यही मोबाइलों के चैलेंज देते फिरते हैं। और तुम्हें किसने इख्तियार दिया है, जब खुदा ताला ने जमात के सरबराह को इजाज़त दी और अमलन तायीद से साबित कर दिया कि उसका ये फैसला दुरुस्त है, तो उसके अंदर आप सब के मोबाइल शामिल हैं। और इनफरादी तौर पर आपको ये हक नहीं कि किसी एक को कहें कि तुम इस मोबाइल में दस्तखत करो और तुम जरूर मर जाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और मोबाइले का जो मजमून है वो बिल्कुल और रंग का है, वो एक आलमी निशान के तौर पर है,
उसे हर फर्द बशर जो इसमें लानत डाल दे उसका यकीनन मर जाना शामिल है ही नहीं। बस बार दफा खुदा सजा दे देता है, लेकिन ये ऐसा कानून नहीं है कि लाजम जिस हर अहमदी के हक में इख्तियार में अब ये बात चली गई है, जिसको पकड़े कर दस्तखत कराओ दस्तखत करवाए और फिर इंतजार करे कि अब ये मारा गया। ये खुदाई के इख्तियारात हाथ में लेने वाली बात है और हद से ज़्यादा सादगी है, और उस सादगी का नुकसान जमात को पहुँचता है, क्योंकि अल्लाह ताला पाबंद तो नहीं है कि आपके फैसले मान जाए, और ये भी पता कोई नहीं कि दस्तखत करने वाला बाद में दिल में डर गया हो और दुआएं करता रहा हो। इसलिए ऐसी बातें बंद करें बिल्कुल। ये कहें कि अब जिन उलमा ने चैलेंज कबूल किया तुम शामिल हो जाओ और वो बदवाएं करो जो उन्होंने हम पर की हैं, फिर देखो क्या नतीजा जाहिर होता है। एक हमारी हैं दुआएं, अल्लाह मज़िक हम कुल मज़क व साहिक हम तस्रीका, ये एक कौमी अमूमी दुआ है, और एक उनकी दुआ है जो तफसीली मैं आपके सामने रखूँगा। तो सारे जितने भी मुखालफीन अहमदियों को तंग करने वाले लोग हैं उनको ये इस बात पर आमादा करें कि अब तुम अपने मौलवियों के पीछे शामिल हो जाओ और ऐलान करो कि हम भी इस दुआ में उनके साथ हैं, और फिर नाक रगड़ लो अपने, जो बस चलता है चलाओ। और हम ऐलान करते हैं आज ही मुबाला शुरू होने से पहले ही, इस तुम्हारे मैदान में आने से पहले, कि जिल्लत और नामुरादी तुम्हारे मुकदमे में लिख दी गई है, किसी कीमत अब इस सजा से बच नहीं सकते। ये जो दुआ है उनकी वो ये सुन लीजिए। अवामो नास के सामने ये दुआ आप करेंगे, खुदावंद करीम इस सदी के ख़त्म होने से पहले फितना कादियानियत को जलील और रुस्वा कर दे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकरीन का इबरतनाक अंजाम दुनिया पर वाज़े हो जाए। इन रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा कि हमेशा की तरह अब भी मिर्ज़ाइयत और कादियानियत के हिस्से में दुनिया और आखिर की रुस्वाई आएगी हमेशा की तरह। वो पता नहीं कहाँ आई है, बता भी देता हूँ आपको कहाँ आई हुई है। ये जो दुआ कर रहे हैं इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या मुराद है इनकी, किस तरह की रसवाई आई है। और वो जिस तरह किसी भी इस्लामी मुल्क में इस्लाम के नाम पर काम करने के काबिल नहीं रहे, उसी तरह बाहर के ममालिक में भी मुसलमान उनका नाश्ता बंद कर देंगे। इस्लामी मुल्क में काबिल नहीं रहे किसी तरह, इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि MTA के ज़रिए इस कसरत से इस्लामी ममालिक में मुसलमानों का रुझान अहमदी की तरफ हो रहा है कि इनके छक्के चुट रहे हैं, इनकी अपने अखबार लिख रहे हैं कुछ करो, कोई जवाबी कार्रवाई करो वरना ले बैठेंगे हमें। ये रसवाई और ज़िल्लत है जिसकी तरफ मुल्ला इशारा कर रहा है। मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया के रहनुमाओं ने कहा कि जुमतुल मुबारक 31 जनवरी से कबल योम फतह मक्का और योम अली मुर्तजा की मुनासबत से उम्मीद है कि जिस तरह इस्लाम की अफवाज ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मक्का मुकरमा को काफरों और मुशरिकों के कब्जे से निजात दिलाई थी और हजरत अली की बहादुरी और शुजात की वजह से खैबर में यहूदियों का तसल्लुत टूटा था, उसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की नऊज़ुबिल्लाह झूठी नबूवत, नऊज़ुबिल्लाह मैंने कहा है झूठी नबूवत के पैरोकारों के फरेब और मकारी का पर्दा चाक होकर रहेगा, और इनकी हलाकत और तबाही जो हमेशा से उनका मुकद्दर बन चुकी है हर किसी के सामने अयां हो जाएगी। यानी अयां होने की कसर रह गई है, वरना कहते हैं 100 साल से तो है ही यही, अयां नहीं हो रही थी, अब हम निकले हैं बाहर तो अयां हो जाएंगे सब कुछ। उन्होंने तमाम मकादिर फिक्र से दरख्वास्त की कि वो योम दुआ बराए निजात फितना कादियानियत में, योम दुआ बराए निजात फितना कादियानियत में। मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक तर्जमा करने वाले ने हथियार डाल दिए थे कि बाद इतना तेज़ पड़ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं समझता क्या कह रहे हैं आप। तो ये कह रहा हूँ निजात फितना कादियानियत, योम दुआ बराए निजात फितना कादियानियत, खुसूसी इसमें दुआएं करें ताकि उम्मत मुस्लिमा को इस फितने से जल्द निजात और छुटकारा नसीब हो। ये है इनका ऐलान। ये कहते हैं अब हो, अब जिस तरह इस्लामी ममालिक में हुआ उस तरह बाहर भी हो जाए, और इनके छपे हुए
ऐलानात मेरे पास पड़े हैं जिसमें इनके उलमा ने अपने यहाँ मजालिस में ऐलान किया कि हमने इंग्लिस्तान में अहमदियत की कब्र बना दी है और यहाँ से इनका सफाया कर दिया है और वो जो है नूरानी साहब जिनके अक्सर मुरीद इस मुहाले में शामिल हैं वो तो यह तक यहाँ तक भी ऐलान कर चुके हैं कि हमने हर जगह अहमदी मसाजिद पर ताले पड़वा दिए हैं नूरानी है। और कहते थे एक तहरीर में लिखा हुआ है कि हम यहाँ आए मस्जिद के सामने आवाज़ें दी कोई आगे से जवाब नहीं मिला सब खाली हो चुका किसान फिर हम वापस चले गए। ये जिस कौम का किरदार जिसके उलमा इस कदर झूठ और बेबाकी से झूठ बोले उनके उनको तो मुबालक वजह कहना चाहिए था कि अब मुबालक ऐसा है अहमदी तो रही बाकी नहीं कहीं क्योंकि उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि सारे अफ्रीका के मिशनों पर ताले पड़ गए वहाँ कुछ भी नहीं रहा। और उनके इस ऐलान के बाद एक एक मुल्क से कई कई लाख अहमदी एक साल में हुए हैं तो लानत की मार तो इन पर पड़ चुकी है पहले ही। अब वाजे होगा तो ये होगा कि इनको अवामुन्नास इस इनके इकरार के बाद अब पहचानने शुरू करेंगे। उनको जो दिखाई नहीं देता था अब दिखाई देगा कि हमारे मौलवी जो निकले हैं तो ये बातें तो हमारे सामने थी नहीं अब सामने आ रही हैं कि अहमदियत को अल्लाह ताला मुसलसल फतह नसीब फरमा रहा है और मुसलसल अहमदियत का कदम आगे बढ़ा रहा है। बस ये इनकी दुआ अगर अपने झूठ पर लानत ना भी डालें तब भी इनके ऊपर एक लानत पड़ जाएगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम को खरेबत खैबर का इल्हाम 1896 में या 1896 के बाद 21 दिसंबर 1896 में हुआ है जो नए साल के आगाज की एक खुशखबरी दे रहा था। तो ये जो 97 का साल चढ़ा है ये खरेबत खैबर का साल हमारे हक में चढ़ा इनके हक में नहीं चढ़ा लेकिन खुदा ने इनसे खिलवा दिया है ये और अली का हवाला दिया ये खिलाफत भी चौथी है। ये कोई इनको बताने से बताना भूल गया है ये होश से बातें करना तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे ऊपर ऐसी मार पड़नी है अब कि तुमने खुद मुअय्यन कर दिए रस्ते कि किन राहों से तुम्हारे ऊपर खुदा की पकड़ पहुंचेगी। तो ये जो खैबर का जिक्र और ख़ास तौर पर नामुरादी ये सारी बातें अल्लाह ताला ने इनकी मुँह से कहलवा दी हैं अब अहमदियों को चाहिए कि इस आवाज़ को जिंदा रखें अपने माहौल में लोगों को बताते रहें लेकिन सबसे ज़्यादा बिना दुआ पर करें क्योंकि दुआ के बगैर अब ये मैदान जो है वो जीता तो जाएगा क्योंकि मुकद्दर यही है मगर दुआ के साथ जीतना एक नई शान पैदा कर देता है। वो जो फतह अहमदियत के मुकद्दर में है जिससे कहते हैं उसे चार चांद लग जाएंगे अगर आप रातों को जगा देंगे और अपनी रातों की दुआओं से अहमदियत के मुकद्दर को मज़ीद रोशन करके दिखाएंगे। लेकिन अजीब एक अल्लाह ताला की तरफ से तसर्रुफ था मैं उसमें अब आपको शामिल करके फिर इस मज़मून को ख़त्म करूँगा उस खुशी में कि जिस वक्त ये तहरीर मेरे सामने पेश की गई मैंने उसी वक्त दस्तखत उस पर किए और लिखा कि अल्लाहुम्मा मज़िकुम कुल्ला मुमज़िकुम वसाहिकुम तसीका। इस काम से फारिग होकर जो अगला दत्था उठाया डाक का तो उसमें पाकिस्तान से हमारे एक मुबल्लिग़ हैं हनीफ साहेब मुरबी सिलसिला लाहौर के उनका भेजा हुआ एक इख्तबास सामने था। अब साफ दिखाई देता है कि तसर्रुफ़ इलाही था और इनकी इस कोशिश के जवाब में खुदा ने क्या फैसला किया है ये मुझे बताने के लिए दिल की तसल्ली के लिए एक वाकया हुआ है। उसमें एक रिसाला है अखबार है या रिसा महाना हकायत उसमें एक साहिब अल्लामा अनायतुल्ला साहिब का मज़मून शाया हुआ है और मज़मून पे जो उन्वान लगे हैं वो ये हैं कि हम पर लानत पड़ चुकी है इंतज़ार की बातें क्या कर रहे हो हम पर लानत पड़ चुकी है और ज़िंदगी के हर शोबे में लानत पड़ चुकी है। चुनांचे उनकी लंबी तहरीर में से चंद इक्तबासात मैं आपके सामने रखता हूँ। हम पर यह इल्ज़ाम के गुस्ताख रसूल हैं हम पर यह इस्लाम के मुसलमान नहीं हम पर यह इल्ज़ाम के ये हैं और वो हैं
वो सारे इल्जाम ये मौलाना साहेब जमात गैर अहमदी पाकिस्तानी मुसलमानों के मुतालिक इसरार के साथ दोहरा रहे हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। जब आसमान जवाब दे रहा है और इन्हीं लोगों की जुबान से हक का इजहार करवा रहा है, तो ये लोग किस मिर्ते पर बगलें बजाएंगे और बजा रहे हैं। अल्लाह की बताई हुई राह से बेराहवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहबरी से सरकशी, ये है गुस्ताखी रसूल जिसमें कौम मुब्तला हो चुकी है। हम पर गुस्ताखी रसूल के आवाजें कसते रहे, फितने बर्बाद मचाए, फांसी के फंदे लगाने की कोशिशें की गई, और अब इनका फिर सूरह सजदा का हवाला देते हुए लिखते हैं, हम लोग जो पाकिस्तान में आबाद हैं अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसी ही अजियत पहुंचा रहे हैं जैसी इन आयात में जिक्र है। इस खुशफहमी में मुबतला नहीं रहना चाहिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो सज़ा सुनाई है हम उससे अभी तक महफूज हैं। हकीकत यह है कि यह सज़ा शुरू हो चुकी है। सज़ा भी इतनी सख्त है जो सिर्फ आखिरत में नहीं मिलेगी बल्कि दुनिया में भी यह सज़ा भुगतनी पड़ती है और हम भुगत रहे हैं। मुबाले वालों ने कहा था दुनिया और आखिरत में अहमदीत की जिल्लत के समान हो, ये एक इनके भाई मौली साहब कह रहे हैं हम पर यह लानत दुनिया और आखिरत की पड़ चुकी है। फिर इन फिरकों के सरबराह उलमाए दीन कहलाते हैं, इन्होंने अपने आप को फतवे देने की अथॉरिटी दे रखी है, अपने मुखालफीन के खिलाफ फतवे देते रहते हैं। अगर इन सब के फतवे इकट्ठे करके पढ़े जाएं तो इनमें से कोई एक भी मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं रहता, तो इनका इस्लाम भी छुट्टी खुला बोर्ड से उड़ गया, सब कोई निशान उसका बाकी नहीं रहता। आगे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे हां आलम दीन ने अपनी डेढ़ इंच की अलग मस्जिद बना रखी है, इसका इमाम बना बैठा है। ये फिरका बंदी कि जिस गुनाह का इर्तकाब कर रहे हैं उसकी सजा मिलनी शुरू हो गई है। नौबत यहां तक पहुंची है कि लोगों ने मस्जिदों में जाना ही छोड़ दिया। ये मज़मूम और इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल इन उलमा ने पैदा की है जो दावा करते हैं वो लोगों को नेकी की तालीम देते हैं। बाद दीनी जमातों ने सियासी लिबादे ओढ़ लिए हैं, वहाँ भी इनकी फिरकाबंदी मौजूद है, इन जमातों के अंदर ग्रोहबंदियाँ हो गई हैं। वो कहते हैं ऐसे मौलवियों को उठाया जा रहा है जो नज़रिया पाकिस्तान पर ही तबर रखते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ वो आज भी कायद आज़म को गालियां दे रहे हैं, ये हमारे कौम का मुकद्दर बन गया। अब कहते हैं 14 सितंबर 1996 के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फजलुर रहमान साहब का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा जिना के पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग्राफियाई हैसियत ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा गोल्डन जुबली मनाने की बजाय कौम को पाकिस्तान को तोड़ने वालों से आगाह किया जाए, पाकिस्तान तोड़ने वाले कायदे आज़म के सियासी वारिस हैं यहाँ और ये मुल्ला हैं सारे। तो हमें कहते थे मज़हब के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन, अब इकरार है कि हम ही हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। फिर हुक्मरानों का हाल ये बयान किया है, आज तक कोई हुक्मरान करप्शन और रिश्वतखोरी को ख़त्म नहीं कर सका, बल्कि हर हुकूमत के दौर में ये रिश्वतखोरी बढ़ी है, कम नहीं हुई। फिर लिखते हैं ये मुकाफात अमल है, ये कहर इलाही है जो पाकिस्तान के लोगों पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, ये सज़ाएँ हमें मिल रही हैं। उलमा की फिरकाबंदी ने खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली है। फिर फरमाते हैं हम में ईमान फरोश और गद्दार पैदा होने लगी है, हमने इनाम और इकराम की खातिर जराइम पेशा लोगों को वोट दिए, फिर उनके मकबूल आम बनाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे किए, हमारे यहाँ कब्जा ग्रुप शुरू हो गया। इस बड़ी लंबी तफसील है, ये पुलिस क्या है इसका हाल खोला है, जिस मुल्क में दीनी मदरसों और स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में करप्शन होती हो उनका क्या हाल बाकी होगा,
अल्लाह ने कुरान में वार्निंग दे दी थी कि तुम पर दुनिया में लानत बरसेगी, ये तुम पर दुनिया में लानत बरस रही है। ये लेक्चर और अखलाक सोच फिल्में जो जिनको सारी दुनिया सारा मुल्क देख रहा है, अब कहते हैं किसने तुम पर ज़बरदस्ती ठोंसी है, बताओ किस कानून ने तुम्हें मजबूर किया कि रातों को उठकर हिंदुस्तान की बनी हुई नहायत अखलाक सोज और लचर और गलीस फिल्में देखते रहो, और हर घरों में हर घर में इनके बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कहते हैं आप तो दुश्मन क्या उठाया कि आप हमें पाकिस्तान पर जलगार की ज़रूरत ही नहीं रही, हमारी सिर्फ सकाफती जलगार ही काफ़ी है। कहते हैं सारी कौम पर जिन्स का कब्जा, जिन्सियत का कब्जा हो गया है। कहते हैं ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं, किसी इदारे में जाके देख लें, बरामदों में हेरोइन की बदबू होगी। लड़कियां भी इस नशे पर अपनी इस्मतें कुर्बान कर बैठी हैं। फिर कहते हैं फिर आज हमें क्या हो गया है कि फसल सलीबी काटने वाली हिलाल नौ की दरान थी हमने फेंक डाली है, और दुनियावी तमा और लालच में उलझ कर रह गए हैं। बंदा बंदे का दुश्मन है, इत्तेहाद नाम को नहीं रहा। उलमा से तवक्को और थी, लेकिन उन्होंने दीन को और कौम को फिरकों में बांट कर ना सिर्फ ये कि कौम की जमीयत को बखेर डाला, बल्कि उनके टुकड़ों को एक दूसरे का खून दुश्मन बना दिया। ये उलमाए दीन हैं जिन्हें हम उलमाए सियासत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हें कौन बताए कि वो खुद गुस्ताखी रसूल और तोहीन रसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, इन्हें कौन संसार करेगा। ये लानत नहीं तो और क्या है। फिर लिखते हैं हमें अब यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम पर कहर इलाही नाजिल होना शुरू हो गया है, किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रही। हमें अब यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम पर कहर इलाही नाजिल होना शुरू हो गया है, ये हमारे अमाल की सज़ा है जब जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब ये लोग इसके सिवा किस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वैसे ही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इससे ज़्यादा और क्या एतराफ़ हो सकता है जमात अहमदिया की मुबाहले की कामयाबी का, और अपनी कामिल नाकामी और नामुरादी और ज़िल्लत का। इन अल्फाज को जो मैंने आपके सामने रखा है अभी मुख्तसर करके रखा है, पूरा मज़मून पढ़ जाएं तो मज़मून पढ़ने के बाद इस्लाम का नामो निशान भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा यानी पाकिस्तान के अंदर, मगर जिनकी आंखें खुली हैं उनको तो मज़मून पढ़ने से पहले भी दिखाई नहीं देता। ये जो मौलवी कहते थे ना नज़र आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब तुम लोगों को नज़र आने लग गया है, और तुम्हारे अखबार अब इतनी जरूरत जरूर करने लग गए हैं कि जो देखते हैं अब उसको लिखने लगे हैं। बहरहाल हमने तो दुआओं ही के ज़रिए ये मैदान जीतना है और ज़रूर जीतना है इंशाल्लाह। बस आज के जुमा में खसूसियत से, जो आने वाला जुमा है आज की रात शुरू होगा, उसमें खसूसियत दुआएँ करें जिन शरायत के साथ मैंने बयान की हैं उन शरायत को मरहूज रखते हुए। तो फिर देखें इंशाल्लाह ताला अब दिन ब दिन इन झूठे मौलवियों की ज़िल्लत और रसवाई के दिन बढ़ते चले जाएँगे, और हर दिन की रसवाइयाँ बढ़ती चली जाएँगी। अल्लाह ताला हमें ये निशान अहमदियत के हक में गलबे के निशान के तौर पर दिखाए। आमीन। चलिए सलाम अलैकुम। कि नहीं हुआ था।